पुराने पुराने मंदिर में चले जाओ. गो टू एंशियंट टेम्पल्स. शिवलिंग बीच में होगा. यू विल सी दैट द शिवलिंग इज इन द सेंटर. और आसपास सभी देवताओं की मूर्तियाँ रखी होंगी. एंड द आइडल्स ऑफ ऑल द डीटीज आर प्लेस्ड अराउंड इट. उन मूर्तियों के बीच में शंकर का भी चित्र रखा होगा, मूर्ति रखी होगी. अ पिक्चर एन आइडल ऑफ शंकर इज ऑल्सो प्लेस्ड अमंग दोज आइडल्स. इससे साबित होता है कि चारों ओर बच्चे बैठे हुए हैं. दिस प्रूव्स दैट द चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑल अराउंड. और बीच में उन आत्माओं का बाप एंड द फादर ऑफ दोज सोल्स शिव ज्योति बिंदु शिवलिंग रखा हुआ है. शिव द पॉइंट ऑफ लाइट द शिवलिंग इज प्लेस्ड इन द सेंटर. वो हम सब का बाप है. ही इज द फादर ऑफ ऑल ऑफ अस. हम सबको आकर के अपना परिचय देता है. ही कम्स एंड गिव्स ऑल ऑफ अस हिज इंट्रोडक्शन. बताता है. ही सेज कि बच्चे मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ. चिल्ड्रन आई एम योर अनलिमिटेड फादर. 84 के चक्कर में इन द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स तुमने 84 जो बाप धारण किए वो हद के बाप हैं. द 84 फादर्स दैट यू अडॉप्टेड आर द लिमिटेड फादर्स. उन हद के बापों से तुम्हें हद का वर्षा मिलता है. फ्रॉम दोज लिमिटेड फादर्स यू गेट द लिमिटेड इनहेरिटेंस. लाख दो लाख दस लाख पचास लाख अरब खरब मिल जाएगा. यू विल गेट द इनहेरिटेंस ऑफ 100,000 200,000 मिलियन 5 मिलियन बिलियंस. लेकिन एक जन्म के लिए मिलता है, वो भी पक्का नहीं कि मले मिले न मिले. बट यू गेट इट फॉर वन बर्थ. दैट टू इट इज नॉट श्योर वेदर यू विल गेट इट और नॉट. लेकिन मैं तुम्हारा बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ. वेर एस आई योर अनलिमिटेड फादर गिव यू द अनलिमिटेड इनहेरिटेंस. वो कौन सा बेहद का वर्षा है जो बाप आकर के देते हैं. वॉट इज द अनलिमिटेड इनहेरिटेंस दैट द फादर गिव्स वेन ही कम्स. ऐसे तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े बाप हुए हैं. इन फैक्ट देर हैव बीन मेनी ग्रेट फादर्स इन द वर्ल्ड. क्राइस्ट क्रिश्चियंस का बाप है. क्राइस्ट इज द फादर ऑफ द क्रिश्चियंस. क्रिश्चियंस उसे फादर कहते हैं. दे कॉल हिम फादर. मोहम्मद मुसलमानों का बाप है. मोहम्मद इज द फादर ऑफ द मुस्लिम्स. गुरु नानक सिखों का बाप. गुरु नानक इज द फादर ऑफ द सिख्स. शंकराचार्य सन्यासियों का बाप. शंकराचार्य इज द फादर ऑफ द सन्यासीज. महात्मा बुद्ध बौद्धियों का बाप. महात्मा बुद्धा इज द फादर ऑफ द बुद्धिस्ट. ये कितने बड़े बड़े बाप हो गए हैं दुनिया में. दे आर सच ग्रेट फादर्स इन द वर्ल्ड. जिनकी बड़ी बड़ी जनरेशन फैली हुई है दुनिया में. हुज जेनरेशन हैज स्प्रेड इन लार्ज नंबर्स इन द वर्ल्ड. चीन में जापान में बर्मा में मलाया में तिब्बत में कितने बौद्धि फैले हुए. सो मेनी बुद्धिस्ट आर स्प्रेड इन चाइना जापान बर्मा मलेशिया एंड तिब्बत. यूरोप में अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में कितने क्रिश्चियंस फैले हुए. सो मेनी क्रिश्चियंस आर स्प्रेड इन यूरोप अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस का बाप है क्राइस्ट. क्राइस्ट इज द फादर ऑफ द 200-250 करोर दैट इज 2-2.5 बिलियन क्रिश्चियंस. लेकिन ये सब बाप जो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं. बट ऑल द फादर्स हु आर कॉल्ड ग्रेट फादर्स महान धर्म पिताएं कहे जाते हैं. हु आर सेट टू बी ग्रेट रिलीजियस फादर्स. वो हद के बाप हैं कि बेहद के हैं बताओ. आर दे लिमिटेड फादर्स और अनलिमिटेड फादर्स. टेल मी क्या कहेंगे उनको. वॉट विल दे बी कॉल्ड. समवन सेड लिमिटेड. क्यों. वाई. अरे अरे 200-250 करोड़ मनुष्यों का बाप. द फादर ऑफ द 200-250 करोर ह्यूमन बींग्स. क्रिश्चियंस का बाप. द फादर ऑफ द क्रिश्चियंस. वो हद का बाप हुआ. इज ही अ लिमिटेड फादर. ये बड़े बड़े जो धर्म पिता हैं नाम गिनाए. द ग्रेट रिलीजियस फादर्स हुज नेम्स वर मेंशनड. ये हद के बाप हैं कि बेहद के बाप हैं. आर दे लिमिटेड फादर्स और अनलिमिटेड फादर्स. क्या है. वॉट आर दे. परम पिता परमात्मा के मुकाबले उनको हद का बाप कहेंगे. वेन कम्पेयर्ड टू द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल दे विल बी कॉल्ड लिमिटेड फादर्स. क्यों. वाई.
क्योंकि परमपिता परमात्मा को दुनिया की हर जनरेशन का व्यक्ति मानता है. इट इज बिकॉज द पीपल ऑफ एवरी जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल. ओ गॉड फादर क्रिश्चियंस भी कहते हैं. इवन द क्रिश्चियंस से ओ गॉड द फादर. मुसलमान कहते हैं ओ अल्लाह ओ खुदा. द मुस्लिम से ओ अल्लाह ओ खुदा. हिंदू लोग परमपिता कहते हैं भगवान कहते हैं. द हिंदूस कॉल हिम परमपिता मीनिंग द सुप्रीम फादर भगवान. तो वो तो दुनिया की जितनी जनरेशन है. सो ही द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. आज दुनिया की जनरेशन 500-600 करोड़ से ऊपर पहुंच गई. टुडे द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज एक्सीडेड 500-600 करोड़ दैट इज 5-6 बिलियन. 500-600 करोड़ जनरेशन का वो बाप है. ही इज द फादर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 500-600 करोर. इसलिए वो बेहद का बाप है. दिस इज वाई ही इज द अनलिमिटेड फादर. ऐसे नहीं वो 500-600 करोड़ आत्माओं को ज्ञान देता है कि तुम बिंदु बिंदु आत्मा हो. इट इज नॉट दैट ही गिव्स नॉलेज टू द 500-600 करोर सोल्स टेलिंग देम दैट दे आर पॉइंट सोल्स. जन्म देता है. इट इज नॉट दैट ही गिव्स बर्थ टू देम. बाप का काम जन्म देने का ही नहीं है. द ड्यूटी ऑफ अ फादर इज नॉट जस्ट टू गिव बर्थ टू द चिल्ड्रन. बाप का काम है बच्चा जब बड़ा हो जाए तो उसे भरसा भी दे. इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द फादर टू गिव द इनहेरिटेंस टू द चाइल्ड व्हेन ही ग्रोज अप. बाप वो जो बच्चों को वर्षा दे दे. द फादर इज द वन हु गिव्स द इनहेरिटेंस टू द चिल्ड्रन. तो बेहद का बाप बेहद के बच्चों को जन्म देता है. सो द अनलिमिटेड फादर गिव्स बर्थ टू द अनलिमिटेड चिल्ड्रन. और उन बेहद के बच्चों को सुख और शांति का बेहद का वर्षा देता है. एंड ही गिव्स देम द अनलिमिटेड इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस. एक जन्म का नहीं. नॉट द इनहेरिटेंस फॉर ओनली वन बर्थ. जन्म जन्मांतर का वर्षा देता है. बट ही गिव्स देम द इनहेरिटेंस फॉर मेनी बर्थ्स. वो धर्म पिता है इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक मोहम्मद शंकराचार्य. ये कोई भी स्वर्ग नहीं बना पाते. नन ऑफ द रिलीजियस फादर्स लाइक इब्राहिम बुद्धा क्राइस्ट गुरु नानक मोहम्मद शंकराचार्य आर एबल टू एस्टेब्लिश हेवन. एक भगवान ही है जो इस सृष्टि पर आकर के कलयुग के अंत में आकर के नरक की दुनिया को स्वर्ग बना के जाता है. इट इज ओनली गॉड हु कम्स टू दिस वर्ल्ड एट द एंड ऑफ द आयन एज मेक्स द वर्ल्ड ऑफ हेल इन टू हेवन एंड देन गोज़.